दाव पिक्चर की शूटिंग कर रही हूँ और इसमें पहले समर सिंह जी थे और अभी हमने लाडू जी को भी इसमें एंट्री किया हुआ है। तो इसमें दो हीरो है और मैं इसमें मेन लीड कर रही हूँ एज ए हीरोइन। और अभी आज गाने की शूट है तो मेरा कॉस्ट्यूम भी लाइक स्कूल का दिया हुआ है क्योंकि स्कूल का पूरा सीन है। तो बस वही शूटिंग चल रही है बनारस में। वो तो अब देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, दोनों ने अच्छा काम किया हुआ है और मेरे को मज़ा आया उनके साथ काम करके भी। और देखते हैं अभी वो तो ऑडियंस बताएगी केमिस्ट्री मेरी कैसी लग रही है उनके साथ। आप कैसे कितना रोमांस का पंखा लगाने वाली हैं? मैं तो अपना 100% दूंगी, जितना अच्छा मेरी ऑडियंस ही मेरा सब कुछ है और भगवान, तो मैं तो अपना पूरा 100% दूंगी क्योंकि मैं तो बहुत ही दिल लगा के काम करती हूँ। आगे ईश्वर की कृपा बस। क्या किरदार है पूरी फिल्म में, आप कितना धमाल मचाने वाली हैं? क्या मेरा एकदम नया लुक है इसमें, एकदम मैं रिपोर्टर मतलब एक रोल कर रही हूँ और एकदम नया लुक है मेरा, पूरा वेस्टर्न है। ऐसा नहीं है कि मैं साड़ी पहन के, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फाइटिंग भी दिखाया हुआ है काफ़ी, तो मैं मतलब एक्शन मूवी है तो इसमें एक्शन ही दिखेगा, तो मज़ा आया इसका मूवी में काम करके। इस फिल्म के डायरेक्टर है के राम जी, जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा उनका मेकिंग है क्योंकि वो हिंदी से आए हुए हैं तो उनका थोड़ा सा अलग ही टेकिंग है। तो जैसे कि उन्होंने विक्रम भट्ट जी के साथ भी काम किया हुआ है तो उनका अलग ही टेकिंग है, जो मज़ा आ रहा है काम करने में, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि अलग भोजपुरी में कुछ अलग तरीके से होता है, यहाँ पे कुछ अलग एक टेकिंग है जो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और प्रोड्यूसर जी यहाँ के तो है नहीं, वो है साउथ के, तो उनका तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ी बात है एक भोजपुरी मूवी करना और एक साउथ के प्रोड्यूसर आना, ये हमारे कल्चर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा है कि क्योंकि ज़्यादातर बिहार और यूपी से ही प्रोड्यूसर आते हैं बट ये साउथ के हैं, तो हमारे लिए कल्चर हमारे इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, मैं बहुत दिनों से इसमें हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज में कभी कभी इशू हो जाता है लेकिन मेरे को मज़ा आता है भोजपुरी करना, और मैंने हिंदी भी किया हुआ है, खाली भोजपुरी तो मैंने किया भी नहीं है, मैंने सीरियल भी किया हुआ है, वेब सीरीज़ भी किया हुआ है और अच्छी है भोजपुरी इंडस्ट्री भी। जी हाँ ना, मैंने 3 बुड़बक मूवी की है और मैंने किया है गंगा मैया, फिर बेटवा होता ईसन, ऐसे मैंने 5-6 मूवीज़ भोजपुरी मूवी की हुई है। और मैंने राकेश मिश्रा जी के साथ काम किया हुआ है, शिवम तिवारी के साथ काम किया हुआ है, विनय जी के साथ काम किया हुआ है और अभी समर जी और लाडो जी हैं, तो मेरा चल रहा है अच्छा और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कम बहुत ही चुनिंदा काम करती हूँ जो मुझे पसंद आए, इस वजह से मैंने ज़्यादा मूवी नहीं किया हुआ है, इस वजह से मेरी भोजपुरी मूवी कम आई हुई है। अभी तो मेरी फिल्म का मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, ये अभी मेरी चालू है, जब आएगी तो मैं ज़रूर उसके लिए भी इंटरव्यू दूंगी ज़रूर, लेकिन अभी तो बस मीटिंग चल रही है और मोस्ट ऑफ मैं हिंदी मूवीज़ भी कर रही हूँ और वेब सीरीज़ की मेरी बात भी चल रही है हॉटस्टार पे जो आने वाली है, और भोजपुरी पे आगे चल के भी मैं शायद से हो सकता है, मैं बोल नहीं सकते, बस केसारी जी के साथ भी शायद मैं काम कर सकूँ, लेट्स सी। अब उनके साथ काम करना एक वो है, सबका सपना होता है भोजपुरी में, तो लेट्स सी देखते हैं कब आता है वो मौका। ये फिल्म दाव को लेके दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दाव एक एक्शन मूवी है जो अलग ही मेकिंग है इसकी काफ़ी, और इसके गाने भी बहुत सुपर्ब हैं, मतलब आप गाने भी सुनेंगे तो थोड़े भी वल्गरिटी नहीं लगेगी आपको, ना गाने में ना सीन में ना ही कोई डायलॉग में। और ये अगर चाहे तो ये मूवी तेलुगू में भी रिलीज़ होने वाली है, तेलुगू में डब होने वाली है, तो साउथ में भी रिलीज़ होने वाली है, इसलिए ये पिक्चर थोड़ा सा एक्शन बना है क्योंकि साउथ में एक्शन मूवी चलती है, तो इसलिए दाव का अलग ही रूप आएगा सामने सबके। बनारस कैसा लगा आपको? बनारस तो मेरा मतलब मेरा नेटिव प्लेस है भाई, मैं तो पसंद ही करती हूँ, हाँ ये है कि आना कम होता है लेकिन बनारस तो मेरा फेवरेट जगह है, और मेरे पापा की जगह, पापा मेरे यहाँ ही पे रहते हैं तो मुझे बहुत ही पसंद है मेरा गांव। तो इस बार जब आप आई हैं तो कहाँ-कहाँ घूमने गए हैं बनारस? घूमना तो अभी तक हो नहीं पाया, बस पैकअप के बाद मैं अपने भैया के साथ जाऊँगी, आने वाले हैं उनके साथ मैं घूमूंगी, पहले तो काशी विश्वनाथ जाऊँगी और विंध्याचल मंदिर जाऊँगी, फिर उसके बाद सोचेंगे कहाँ जाना है। फिल्म में तो हुई मैं, वो तो जा नहीं, वहाँ पे हमेशा चलने वाली हूँ मैं।